क्वेश्चन नंबर 117, इवेलुएट इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और इसमें हम पहले साइन पावर 3x को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस के रिस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो ये होगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर हम ये रूट वाले पार्ट को भी लिख लेते हैं अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। और अब हम इसमें अगर कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं कॉस एक्स इक्वल टू, इसमें रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर ले लेंगे, और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, और टी स्क्वायर का टू टी। सो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टू टी डी टी। सो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो ये होगा टी टू द पावर फोर, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये होगा टी, और साइन एक्स डी एक्स के जगह पे होगा माइनस टू टी डी टी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस दिया हुआ है तो ये होगा टू टी टू द पावर सिक्स, और ये होगा टू टी स्क्वायर डी टी। सो टू इंटू टी टू द इंटीग्रेशन टी टू द पावर सिक्स डी टी माइनस टू इंटू इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, ये होगा और अब हम सिंपली इसके वैल्यूज को पुट कर देंगे। टी हमने लेट लिया, कॉस एक्स को टी स्क्वायर लेट लिया है, तो ये होगा कॉस पावर सेवन बाई टू एक्स, और ये होगा टू बाई थ्री कॉस पावर थ्री बाई टू प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर।